अभी सबसे ज़्यादा एक्यूट जो प्रॉब्लम रेमडेसिविर की चल रही है उसको लेके बात कर रहा हूँ। रेमडेसिविर हमने अप्रैल 6 को विदेश से मंगा के लगाना शुरू करा था 2020 को। उसके बाद DGHIS ने, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग, उन्होंने रेमडेसिविर को लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ कंडीशंस डाल के शुरू करने के लिए कहा था, एंड इट वॉज अंडर ट्रायल बेसिस दैट टाइम, और इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करना था। इसमें सबसे पहला काम ये था कि जिस पेशेंट को मॉडरेट ARDS, मतलब जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है, उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए, बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है फिर। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हों या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों, उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पेथीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद नहीं, ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए हैं और लगा रहे हैं, ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज़ ए क्राइम। बेसिकली ये जितने भी लोग लगा लगा के घर भेज देते हैं, किसी ने उसका LFT नहीं कराया, किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया। बाद में ऐसा एग्जांपल मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूँ जो रीवा से इंदौर आए थे, वो विदाउट टेस्ट रेमडेसिविर लगा के आए थे, उनको पेनक्रेटाइटिस हुई, 2 महीने तक परेशान हुए। इस इंजेक्शन के बाद में भी, 5 दिन बाद भी फिर से लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। इसको हॉस्पिटलाइज करे बिगर या हॉस्पिटल में रखे बिगर कभी भी यूज़ न करें। ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज जो दिख रही ना, ये लोगों ने घर में रख रख के और ब्लैक करने के लिए रख लिए थे। कई मरीजों के अटेंडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे इसलिए रख लिए कि उनको लगा कि कभी हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो इस शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े। थर्ड बात यह है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2 डोज अगर किसी को लग गए हैं तो अगर थर्ड डोज मिस भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। इसका अल्टरनेटिव भी है, इम्यूनोसिन अल्फा, आप उसको लगा दोगे और टेबलेट पर रख लोगे तब भी काम चल जाता है। इसका मैं लिटरेचर साइंटिफिकली पेपर पब्लिश कर चुका हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ। इसके बाद जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं उनको हो सकता है कि बाद में और उपयोग भी करना पड़े या दूसरे भी ट्रीटमेंट देना पड़े। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल तरीके से लोगों ने घर में इकट्ठे कर करके इसको रेमडेसिविर को वो कर दिया, रेमडेसिविर की नहीं तो कमी कभी नहीं आ सकती थी। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि IMA और MGM और स्वास्थ्य विभाग ये बातें लोगों तक स्प्रेड नहीं कर पाया कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन कब और कहां और किस पेशेंट को लगना चाहिए। मैं इससे एग्री नहीं करता, ये लोगों तक जागरूकता नहीं पहुंची। उनका यही कहना है कि हमें हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में, डॉक्टर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये वो 80% पेशेंट वो थे जिनको ये डर था कि मेरे घर का मरीज अगर रेमडेसिविर के कारण परेशान हो चुका है तो मैं यही तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है। इंजेक्शन सबसे पहले जैसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है पेशेंट, सबसे पहला इंजेक्शन रेमडेसिविर लगा रहे हैं। चलो आज अपन ये मैसेज कर देंगे तब तो लोगों को डर मिटेगा। पर इतनी लंबी, देखिए देर आए दुरुस्त आए, किसी की गलती नहीं मानता। देखिए ये भगवान का दिया हुआ कोविड है, अपन सब में से भी बहुत सारे लोगों का परेशान, आपके भी बहुत सारे लोग भर्ती हो गए हैं और अभी भी भर्ती हैं, तो इसलिए इसको अपन किसी को दोष ना दें। अभी तो अपन इस जो आपदा आई है अपने को इससे निपटें, क्योंकि इतने इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट जो CT स्कैन करा के घूम रहे हैं 5% 10% लेके, उनको 10वें दिन जो 30% और 50% हो रहा है उनको बचाना है। इसलिए मैं आज तो बोलने आया। मैं ऑप्शन क्या बता रहे हैं आप, रेमडेसिविर का ऑप्शन? इम्यूनोसिन अल्फा करके एक इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, वो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव है, और इसकी टेबलेट फेविब्लू आती है, वो 800 मिलीग्राम की लोडिंग डोज में अगर 2 टेबलेट सुबह शाम दे के और फिर करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती है। सेकंड, जो ये 6-6 इंजेक्शन लगाना और ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का है, इसको अगर अभी अपने को तकलीफ हो रही है तो 2 का लोडिंग डोज से टेबलेट पर शिफ्ट कर सकते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट आर ऑन ओरल ड्रग्स या खा पी रहे हैं, तो उनको अपन ओरल ड्रग्स पे भी मेंटेन कर सकते हैं। खूब है, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैंने कंपनी से बात करके आया हूँ, जब भी बोल रहा हूँ ये नहीं, वो आधे घंटे जो भर्ती करके लगा रहे हैं ना, वो ऑलरेडी LFT की टेस्ट करे हुए हैं, वहाँ मतलब वेदांता अस्पताल या किसी भी
हॉस्पिटल में जो 100 बेड से बड़ा अस्पताल है उसका मैं चैलेंज कर सकता हूँ, किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। LFT जरूर कराइए। 20% इंजेक्शन के बाद लग सकता है? हाँ, 20% इंजेक्शन के बाद ही लगाने का प्रोसीजर दिया गया था इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करने के लिए। जो अभी 5% 10% किसी को भी लगा रहे हैं वो गलत है। सिम्टम हुए, खांसी चली, आदमी ने घर पे से ही इंजेक्शन दुकान पे काउंटर पे खरीद लिया, काउंटर पे ये इंजेक्शन बिकना ही नहीं चाहिए था। इसके नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा नौशे वौशे होता है बस। और वो टोजीबैक्टिंग कहते हैं उसको, टोजीबैक्टिंग इज नॉट इंडिकेटेड फॉर लंग में जिसको 30% AI है, जिसको स्टॉर्म हो रहा है, जिसका फेरिटिन लेवल बहुत ही ज़्यादा हजारों में है, उसके लिए टोजीबैक्टिंग की ज़रूरत लगती है। और ये टोजीबैक्टिंग भी सबसे पहले जब हमने लगाया था जब हमको भी नहीं मालूम था, अब हम श्योर हैं कि वो स्टॉर्म को रोक लेता है। और उसके लिए तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। अगर अभी आप फिर अभी आपको थोड़े दिन में ये भी खबर मिलेगी, इसीलिए मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि टोजीबैक्टिंग न भी मिले तो IVIG इजी लेवल मिल जाता है, वो भी लगाया जा सकता है। प्लाज्मा भी एक अल्टरनेटिव है। सर, आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, कि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए IMA स्वास्थ्य MGM सब प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम सब लोग प्रयास में हैं, और हमारी आज सुबह भी करीब 4 घंटे मीटिंग हुई है। हम सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को ठीक करेंगे, और इसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ICU बेड की, उसके बाद ज़रूरत है वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर के बाद ज़रूरत है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है और वो बाथरूम में उठ के ऑक्सीजन खोल के चले जाता है। तो ऐसे हर फ्लोर पे लोगों को रखना पड़ेगा कि हमारे वॉलंटियर्स उस ऑक्सीजन को बंद कर दें। मरीजों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब अनपढ़ मरीजों को कोरोना नहीं हो रहा है, सब पैसे वालों को ही हो रहा है कोरोना, तो सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि इस ऑक्सीजन का वेस्टेज नहीं करें। 30% ऑफ द ऑक्सीजन मैंने पिछले 15 दिन में इसी बेसिस से कम कर ली। सर, पढ़े लिखे लोगों को अवेयर कर, उनको अवेयर, ये मैसेज आपके थ्रू जा रहा है ना आज, ये मैसेज इसीलिए तो करने आए। आप जब ये इसको अच्छी तरह से बताएंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको रिटेल स्टोर पे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, अब सिर्फ वो अस्पतालों में ही मिलेगा, वो भी उसी अस्पतालों में मिलेगा जहाँ पर कि इसकी साइंटिफिकली प्रूवन सब कुछ हो चुका है। रेट तो तय है, जो प्राइस, जो परचेस प्राइस, एक जो परचेस प्राइस है उसका 20% से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। आपको जब भी लगे मैं आपको हर कंपनी के रेट बता देता हूँ, लिख लो। 2000 से 2200 रुपए का हिट्रो का इंजेक्शन है, 2500 रुपए का माइलान का इंजेक्शन है, ये मैं 20% बढ़ा के बता रहा हूँ सब चीज़ों। और बाकी कंपनियों का मैं यूज ही नहीं करता, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।